हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके बारे में तो हम आसानी से जान लेते हैं, लेकिन उन समुद्र की गहराइयों का क्या, जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उसी प्रकार से वहां रहने वाले डरावने जीव भी हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं हाल ही में खोजे गए कुछ डरावने समुद्री जीवों के बारे में, जो इस धरती पर रहने वाले जीवों से बिल्कुल ही अलग हैं। टंग ईटिंग लॉश। साइमोथोआ एगुआ एक परजीवी है जिसे टंग ईटिंग लॉश के नाम से भी जाना जाता है। यह परजीवी बहुत ही चालाक शिकारी होता है। यह गिल्स के माध्यम से मछलियों के शरीर में प्रवेश करता है, फिर यह उन मछलियों के जीभ से जुड़ जाता है और उनकी रक्त वाहिकाओं से भोजन प्राप्त करता है। यह उस मछली के जीभ की रक्त वाहिकाओं को उनके शरीर से धीरे धीरे अलग कर देता है, जिससे जीभ उनके शरीर से अलग हो जाता है। यह फिर उस जीभ के बचे हुए ठूंठ से जुड़ जाता है और मछली की नई जीभ बन जाता है, और मछली को एहसास भी नहीं होता कि उसका जीभ कट गया है। फिर यह कीड़ा धीरे धीरे उसके शरीर से एंजाइम चूसता रहता है, जिससे कुछ दिनों में उस मछली की मौत हो जाती है। मछली के मौत के बाद यह उसके मुंह से निकलकर नए शिकार पर निकल जाता है। नॉर्थेन स्ट्रेंजर। समुद्रों में एक से एक सुंदर मछलियां रहती हैं, जिनकी खूबसूरती की कोई जवाब ही नहीं। लेकिन कहा जाता है ना, जहां खूबसूरती होती है वहीं बदसूरती भी होती है। इसी बदसूरती का एक उदाहरण है यह मछली नॉर्थेन स्ट्रेंजर, जिसकी डरावनी रूप का कोई जवाब ही नहीं। यह मछली उत्तरी कैरोलिना से लेकर पश्चिमी अटलांटिका की समुद्रों की रेतीले तलों में रहती है, जहां यह लगभग अपने पूरे शरीर को दफन कर लेती है तब तक जब तक कोई शिकारी उसके मुंह के सामने ना आ जाए। इनकी सर पर आंखें होने के कारण ये उन रेतों में छुपकर शिकारी का इंतजार करती हैं, और जैसे ही शिकार उसके मुंह के सामने आता है वैसे ही वो फिर बिजली की रफ्तार से उन पर झपट पड़ती हैं और उन्हें दबोच लेती हैं। लेकिन जो भी है, इनकी मुंह की बनावट बहुत ही डरावनी है। अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सपने में इस मछली को भेज दूंगा। लैंसेट फिश। लैंसेट फिश समुद्र की गहराइयों में रहने वाले उन असामान्य जीवों में से एक है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें और जौ देखकर हर कोई डर सकता है। इनकी पीठ पर लंबी पंख और अधिकतम लंबाई 7 फीट होती है, जो उसे समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीवों में सबसे लंबी बनाती है। लैंसेट फिश एक होमोप्रोडाइट्स जीव है, यानी ये एक साथ मादा और पुरुष दोनों के सेक्स ऑर्गेन्स रखने वाले जीव है। ये ज्यादातर समुद्रों की 1 मील की गहराई में रहती हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को इन पर अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मछलियां जिस प्रकार से डरावनी दिखाई दे रही है, वैसे ही यह एक खतरनाक शिकारी भी होती है, जो अपने इस नुकीले दांतों से कई अन्य मछलियों और छोटे जीवों को बेरहमी से मारकर अपना भोजन करती हैं। सरकास्टिक फ्रिंज हेड। इस भयानक और खतरनाक मछली को देखिए, जिसकी इतनी चौड़े जबड़े को देखकर बड़ी बड़ी मछलियां भी डर जाती होंगी। दरअसल इस मछली का नाम सरकास्टिक फ्रिंज हेड है, जो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका के तटों पर पाई जाती है। ये मछलियां समुद्र की तलों पे किसी खोल या चट्टानों की दरारों में छुपी होती हैं, और फिर उन दरारों के पास आए जीवों से तुरंत ही भिड़ जाती हैं। इन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि वह जीव इससे भी बड़ा हो सकता है। मादाएं इन चट्टानों की दरारों में अंडे देती हैं, जिसे पुरुष देखभाल करते हैं और शिकारियों से बचाते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ हम मनुष्यों की तरह ही ओरल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि किस करते हैं, आप देख ही सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। अपने इतनी बड़ी मुंह के वजह से ये अपने से भी बड़े जीव को निगलने की कोशिश करते हैं। प्यारा फिश।
इस एक्वेरियम में तैर रही मछली को देखने से लगती है कि यह बहुत ही प्यारी होगी, लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइए, क्योंकि इसका नाम तो प्यारा है लेकिन इसके खतरनाक दांतों को देखिए, जो किसी डरावने राक्षस से कम नहीं लग रहा। ये अन्य मछलियों की तरह ही समुद्रों की गहराई में रहती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पालते भी हैं। ये भी बहुत ही फुर्तीली शिकारी होती हैं, जो अपने से छोटी मछलियों का शिकार करती हैं। इनके नुकीले दांतों में एक बार शिकारी फंस जाए फिर उनका तो राम नाम सत्य है। उनके शरीर के दो टुकड़े तो निश्चित ही हैं। इस प्यारा मछली को वैम्पायर फिश और वुल्फ फिश के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी लंबाई 2 से 3 फीट की होती है और इनका वजन 5 से 20 किलोग्राम का होता है, जबकि एक्वेरियम की प्यारा मछली की लंबाई 12 इंच से भी कम होती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो में कोई भी कमी आपको दिखाई दे रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। तो वाओ माय इंडिया क्रिएशन की लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक यू।